रन मशीन बन चुके टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली के बल्ले का धमाल लगातार जारी है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में खेले गए सीरीज के छठे मैच में विराट कोहली ने अपने करियर का नाबाद 35वां शतक जड़ा और भारत को 8 विकेट से शानदार जीत दिलाई। इस जीत के साथ ही भारत ने 6 मैचों की सीरीज 5-1 से अपने नाम की। इस सीरीज में कोहली ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। कोहली ने 6 मैचों की इस वनडे सीरीज में 3 शतक जड़े और ये रिकॉर्ड बनाने वाले वो पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इससे पहले भारत के लिए गांगुली ने 2003 विश्व कप में और लक्ष्मण ने 2004 के ऑस्ट्रेलिया में वीबी सीरीज में 3-3 शतक जड़े थे, लेकिन इन दोनों ने ये रिकॉर्ड द्विपक्षीय सीरीज में नहीं बनाए थे। अपनी इस शतकीय पारी के साथ ही विराट कोहली सबसे तेज 17,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। कोहली ने अपनी 363वीं पारी में 17,000 रन पूरे करते हुए हाशिम अमला का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 381 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। पिछले साल कोहली सबसे तेज 16,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज बने थे। अपनी इस बेहतरीन पारी के दौरान विराट कोहली वनडे इतिहास में सबसे तेज 9,500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। कोहली ने अपने 9,500 रन 200वीं पारी में पूरे किए और एबी डिविलियर्स को पीछे छोड़ा। विराट कोहली ने वनडे में अपनी 35वीं सेंचुरी लगाई और शीर्ष पर विराजमान सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के बीच फासला कम किया। इस सीरीज में विराट कोहली ने 6 मैचों में 558 रन बनाए। इससे पहले 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी उन्होंने 286 रन बनाए थे। इस तरह कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के अब तक के 43 दिनों के दौरे में ही 800 से ज्यादा रन बना दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में 6 मैचों में 558 रन बनाने के साथ ही कोहली वनडे इतिहास में एक द्विपक्षीय सीरीज में 500 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। उन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 491 रन बनाए थे। विराट कोहली इस सीरीज में 558 रन बनाते हुए एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान भी बन गए। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के जॉर्ज बेली का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2013-14 में भारत के खिलाफ 478 रन बनाए थे।